कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इल्यूमिनेशन के बारे में। देखिए इल्यूमिनेशन, इससे पहले जो है हमने आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। ये लेक्चर जो यहाँ पे बन रहा है ये आपका UEE का पार्ट है, जो कि यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन। ये जो है आपका पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सिलेबस है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसमें जितनी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एक एक करके आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये जो है सेकेंड लेक्चर है। अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखे हो तो आप इसको बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि उसमें जो बेसिक बताई गई हैं आप उसको देख के फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। जैसे इल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या है, आपका इल्यूमिनेशन भी वहाँ पे बताया गया था, बट हम आपको एक समझने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको जो है अगर IMRE के वीडियो चाहिए तो यहाँ इस प्लेलिस्ट पर आप जाइएगा और सर्च करिएगा यूट्यूब पर। अगर आप सर्च बार पर जाइएगा तो सर्च करिएगा जो है और IMRE पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर बाय द पॉली स्टडी, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो आप ज़रूर देखिए और अच्छे से पढ़िए। देखिए यहाँ पे जो लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं ये आपका इल्यूमिनेशन है, जो कि ये आपका पहला चैप्टर है इसका UEE का। तो देखिए इसके पहले लेक्चर जो है उसमें बहुत सारी कंटेंट को बताया गया है, तो ये मैं बोलूँगा ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जाइए और उसको देखिए फिर यहाँ पर आइए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए इल्यूमिनेशन समझने के लिए आपके माइंड में एक चीज़ बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा, वो क्या है। आप सबसे पहले एज्यूम करिए एक लाइट सोर्स, आपको समझना है कि लाइट सोर्स में क्या, जैसे कि आप समझिए लाइट सोर्स कहने का मतलब जो लाइट को लाइट आपको प्रदान करे। देखिए क्या होता है, लाइट लाइट सोर्स के द्वारा दिए गए लाइट की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, एल्यूमिनेशन कहते हैं। देखिए अगर आपको ये बोर्ड पर लिखा होगा, देखिए क्या, किसी भी लाइटनिंग स्रोत के द्वारा दिए गए लाइट की मात्रा को हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनेशन कहते हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही बेसिक आपको समझाते हैं एक चीज़, आप ध्यान दीजिए। हम आपको एक मोबाइल के फ्लैश लाइट से बताते हैं, देखिए, क्योंकि लाइट का चैप्टर है और इल्यूमिनेशन जो है ये आपका लाइट से रिलेटेड है, तो हम आपको इसको जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए आप स्टूडेंट जो है आपको ये जो मोबाइल दिख रहा है इसकी लाइट को देखिए, ये लाइट को देखिए हम अपने फेस की तरफ इसको कर रहे हैं, तो ये देखिए ये क्या है, एक प्रकार का लाइट का सोर्स है। क्या है, देखिए ये क्या है, एक प्रकार का लाइट का सोर्स है। और जितनी यहाँ पे लाइट हमारे फेस तक इसकी मात्रा, लाइट की मात्रा जितनी हमारे फेस तक आ रही है इसको हम इल्यूमिनेशन कह सकते हैं। तो वही चीज़ें बताएंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर फेस में हटा लेता हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो सरफेस में हमने लाइट को फोकस किया है, आप समझ सकते हो क्या कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है। इसके द्वारा दिए गए जो लाइट की प्रकाश की मात्रा है वही आपका इल्यूमिनेशन है। अगर आपको इतना ना सोचा तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और आप देखिए ये क्या है, लाइट का सोर्स है। और ये ऑब्जेक्ट देखिए, इस ऑब्जेक्ट पे कितनी मात्रा लाइट यहाँ पे पड़ रही है इस लाइट के सोर्स के द्वारा, तो वो आपका क्या है, इल्यूमिनेशन है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होगी, तो आपको समझाने के लिए ये प्रैक्टिकल हमें थोड़ा करना पड़ा, तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर आप समझिए कि जो इल्यूमिनेशन है ये क्या है, ये लाइट का इफेक्ट है। आप कह सकते हो इल्यूमिनेशन इज द इफेक्ट ऑफ द लाइट। क्या कह सकते हो, इल्यूमिनेशन इज द इफेक्ट ऑफ द लाइट। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो कि इल्यूमिनेशन इज द इफेक्ट ऑफ द लाइट, तो लिख सकते हो यहाँ पे कि इसको हटाते हैं और इसके आगे लिखते हैं। देखिए जो जो चीज़ें यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं आप उसको जो है ध्यान से लिखते चलिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इल्यूमिनेशन इज द इफेक्ट ऑफ द लाइट। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इल्यूमिनेशन इज द इफेक्ट ऑफ द लाइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट की वजह से ये इफेक्ट जो है देखा जा रहा है। और लाइट क्या है, लाइट है कॉज और इल्यूमिनेशन क्या है, इफेक्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें हम आपको पहले लेक्चर में पढ़ाए थे, तो हमने सोचा आपको एक ऐसा डिफिनेशन देते हैं कि जिसके थ्रू आप रिलेट करके अपने से कम नहीं तो 10-12 लाइन भर के लिख सको। तो इसलिए जो है ये चीज़ें हमने आपको बताई, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते हो एक प्रकार से किसी वस्तु का प्रकाश से प्रकाशित होना। यहाँ पर लिख सकते हो कि एक प्रकार से किसी वस्तु का प्रकाश से प्रकाशित होना, ऐसे लिख सकते हो किसी वस्तु का प्रकाश से प्रकाशित
होना। यहाँ पे आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी वस्तु का जो आपका लाइट है उसके द्वारा लाइट मतलब उसका प्रकाशित होना। जैसे ये देखिए जो मैंने सोर्स यहाँ पे लगाया था लाइट सोर्स फ्लैश लाइट जो जल रही थी, तो उससे जो हमने ऑब्जेक्ट को प्रकाशित करे थे वही चीज़ बोला जा रहा है कि प्रकाश से प्रकाशित होना। यहाँ देख लिए आप समझ सकते हैं, उसको हम एल्यूमिनेशन कह सकते हैं, कितनी मात्रा में लाइट हमारे बॉडी पे या जो ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ रही थी। तो ये चीज़ें आप समझ सकते, देखिए एल्यूमिनेशन पे यहाँ पे इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो आपके लिए द बेस्ट है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब लाइट की बात हो रही है, तो लाइट को भी जो है हमने इससे पहले लेक्चर में कराया, इसीलिए जो हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस लेक्चर को रन कर लीजिएगा पहले लेक्चर को। तो मैं तो कहूँगा आप रन करके फिर इस वीडियो पर जो है आइए। देखिए ये जो लाइट है ये क्या है, लाइट लाइट आप समझ रहे हो कि लाइट क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का रेडिएशन, विजुअल रेडिएशन है जो हीटेड बॉडी से क्या होता है निकलता है, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो आपको ध्यान देखिए लाइट की मदद से, यहाँ पर देखिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमने यूटिलाइजेशन पढ़ना है, बस उतना पढ़ना है जितना हम उपयोग में ला रहे हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पर देखिए लाइट का आप क्या समझ सकते हो, लाइट के द्वारा जो है हम लोग आसानी तरीके से अपने विजिबल मतलब अपने आँखों से विजिबल तरीके से सारी चीज़ें देख सकते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ द लाइट। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लाइट हम किन किन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे क्या, एक है आपका नेचुरल मेथड्स नेचुरल तरीके से है, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल। देखिए नेचुरल तरीका क्या है, जैसे कि आपका सन है मून है, तो ये सारी चीज़ें जो है नेचुरली आपको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो आर्टिफिशियल कहने का मतलब है कि आप मैन मेड द्वारा, कहने का मतलब जैसे आपका बल्ब हो गया, जैसे आप ऐसे आप जो आदमी मतलब हम लोगों के द्वारा जो है ये चीज़ें इन्वेंट की गई हो, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द मैन मेड आर्टिफिशियल, क्या है आर्टिफिशियल सोर्स आप कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम लाइट को बात करें तो एल्यूमिनेशन आपको समझ में आया होगा, तो इसको हटाते हैं। देखिए अब बात करेंगे लाइट के बारे में, लाइट आप समझ सकते हो कि लाइट लाइट में हम क्या देख रहे हैं। देखिए लाइट क्या है ये चीज़ें आप समझ रहे हो। देखिए लाइट को जो है दो पार्ट्स में हम कर सकते हैं, क्या किसके इसके प्राप्त के किस तरीके से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप समझे, एक तो आपका है नेचुरल तरीका नेचुरल, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। देखिए नेचुरल में आपका जैसे कि आपका एग्जांपल में लिखते हैं सन है मून है इट इज, इसी तरीके से स्टूडेंट जो है आपका आर्टिफिशियल में आप लिख सकते हो LED है CFL है, ऐसे कई सारी चीज़ें जो आप होती हैं। तो यहाँ पे भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक है आपका इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल, एक है नॉन इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल। ये क्या मतलब हुआ सर, ये आर्टिफिशियल जो आप यहाँ पर लिख दिए हो इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल, इसका कहने का क्या मतलब है इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल का। तो देखिए इसका कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए आर्टिफिशियल में जैसे मैंने बोला CFL, तो जरूरी नहीं है, देखिए CFL आप अगर इन द पास्ट टाइम में अगर जाते हो तो ज़्यादा देर की बात नहीं है, यही 10-15-20 साल की बात है, तो वहाँ पे एक लैंप जो है आपको जलता जो मिट्टी का तेल का चलता था केरोसिन ऑयल का, तो वो क्या है वो भी तो एक प्रकार से हो गया ना कि लाइट का सोर्स, लाइट आपको देता था कि नहीं देता था। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल की कंडीशन में वो चीज़ें आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का रोल नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका क्या CFL है बल्ब है, और जो है यहाँ पे आप सोचते इनकैंडिसेंट लैंप है, इसी तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल के सोर्स में आ सकता है। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा डिवाइड कराना हमको बहुत ज़रूरी था ताकि आप अपने पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से, ज़्यादा आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से आपको डील करके चलना है। तो ये मैं मानता हूँ कि अभी तक जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम को समझते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम बहुत ही मतलब उतना हमें पढ़ना नहीं है, बहुत ही सिंपल लेके चलना है, आपको एक टॉपिक से टच कराना है, दैट इज़ और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे विजिबल स्पेक्ट्रम को अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से समझेंगे। आप अगर पिछले क्लास में अगर पढ़ के आएंगे विजिबल स्पेक्ट्रम, तो देखिए स्पेक्ट्रम अगर कहें तो वो जो 7 कलर की लाइटें आपको निकलती थी किसी पेज में जब देते थे, और एक लाइट सोर्स के अलावा जैसे क्या, देखिए अगर हम बात करें विजिबल स्पेक्ट्रम की तो यहाँ पे आप समझ सकते हो विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या। जैसे मान लीजिए ये आपका लाइट सोर्स है, यहाँ से आप जो है एक जो है यहाँ पे देखिए पेज को लेते हैं, और यहाँ से जो है आपकी लाइटें जो है डिवाइड में होते हुए ऐसे 7 कलर की जो है यहाँ पे दिखती हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं क्या,
एक ट्रिक था क्या, विप ग्रो, क्या था, विप ग्रो, जो कि वायलेट इंडिको, रेड ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज, वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, क्या है, वायलेट इंडिको, पहला है आपका वायलेट, वायलेट इंडिको ब्लू, वायलेट देखिए क्या है, विप ग्रो वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और लास्ट का आपका है रेड। तो ये कुछ सात कलर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, ये आपका जो ट्रिक था क्या था, विप ग्रो, क्या था, विप ग्योर, विप ग्योर, देखिए ये विप ग्योर है, इसको आप इस तरीके से रख सकते हो। ये आपका क्या है, लाइट का सोर्स है, क्या है, ये सोर्स है। तो देखिए इस तरीके से आपका जो है स्पेक्ट्रम यहाँ पे तैयार होता था, जो यहाँ पे आपको रेनबो के चार कलर यहाँ पे मतलब सात थे देखने को मिलते थे। ये तो बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ें नहीं है। अब जो बताने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही ध्यान से देख के चलना है। अब वो चीज़ें क्या है तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है विप ग्रो, विप ग्रो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम इसलिए बता रहे हैं। देखिए ये 4000 एंगस्ट्रॉम और 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में विप ग्रो का कुछ कुछ यहाँ पे आपको थियरी देखना है। यह है कि मान लीजिए आप 3800 या 3800 से 4000 एंगस्ट्रॉम में जो है पैरावैगनी इस तरह बात है, पैरावैगनी तरंगे आपको देखने को मिलती हैं, पैरावैगनी तरंगे। देखिए यहाँ 4000 से 7000 के बीच में जाते हैं तो प्रकाश दृश्य तरंगे देखने मिलते हैं, और 7000 से अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको क्या मिलेंगी, इंफ्रारेड, क्या क्या सबसे अधिक अवरक्त तरंगे जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये जो है आपके कुछ जो है टॉपिक्स हैं, तो ये जिसको हमने सोचा कि आज से में कम्प्लीट कर देते हैं, क्योंकि आपके बुक में ये चीज़ें दी ज़रूर होंगी, तो आप देखिएगा और बताइएगा कि दी गई थी कि नहीं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, अब हम बात करेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स, किसके बारे में, वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो क्या, तो चलिए आपको समझाते हैं। अब हम देखते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट में बहुत ही सिंपल एक हमने कॉन्सेप्ट देखा, दो लाइन तीन लाइन का, तो हमने सोचा आपको ये क्यों बताया जाए, मतलब ये आपको जो है ज़रूर बताया जाए। वो क्या है कि कम तापमान की तरंगों का की जो वेवलेंथ है अधिक, तथा अधिक तापमान तरंगों की वेवलेंथ कम होती है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है तो आप इसको जो है समझ के चलिए कि जो कम तापमान की तरंग है उसका वेवलेंथ जो है क्या है, अधिक है। कम तापमान की तरंग का वेवलेंथ अधिक है, जो अधिक तापमान तरंग का वेवलेंथ है वो कम है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो आप बिल्कुल इसको जो है नोट करके लिख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो होने वाला है स्पेस हाइट रेशियो। देखिए स्पेस हाइट रेशियो को समझने के लिए यहाँ पर आपको दो चीज़ जो है ध्यान में देना होगा, और वो क्या है, वो क्या है, ये है कि आपको दो बल्ब जो है यहाँ पे एज्यूम करना होगा, और नीचे जो है वर्किंग एरिया आपको देखनी होगी, वर्किंग प्लेन जिसको आप कह सकते हो। तो देखिए चलिए इसको हम आपको समझाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि जो हम बोल रहे हैं कि स्पेस हाइट रेशियो देखिए, जो स्पेस हाइट रेशियो है उसको समझने के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हो क्या, ये समझ सकते हो, आप मानिए कि आपके पास यहाँ पे दो बल्ब यहाँ पे दिए, बल्ब नंबर एक है, बल्ब नंबर दो है, ठीक है, ये आपका बल्ब नंबर एक है और जो है बल्ब नंबर दो है, और इन बल्ब को जो है ला करके एक हमने किसके अरेंज किया है, वर्किंग प्लेन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना यह है कि इन दोनों बल्ब के बीच में लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन द लैम्प और हाइट अबव द वर्किंग प्लेन। देखिए ये क्या है, इन दोनों के बीच में क्या लिख सकते हैं, स्पेस बिटवीन द लैम्प, और यहाँ क्या लिखा, हाइट अबव द लैम्प, क्या है, हाइट अबव द वर्किंग प्लेन, का मतलब है ऊपर वाला, वर्किंग प्लेन
प्लेन, हाइट अवे द वर्किंग प्लेन। तो ये जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, दो बल्ब आपको एज्यूम करना है, स्पेस बिटवीन उन दोनों बल्ब के बीच में जो स्पेस है और उनके नीचे जो अवे होता है, मतलब वर्किंग प्लेन, प्लेन का जो अवे मतलब ऊपर वाला हिस्सा है उसको, उसकी हाइट, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसका रेशियो आपका हो जाने वाला है, स्पेस हाइट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पेस बिटवीन द लैम्प टू द हाइट ऑफ द लैम्प अवे द वर्किंग प्लेन। तो आपका हो जाएगा स्पेस हाइट रेशियो, लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन द लैम्प। चलिए इसको हटाते हैं, आप ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि स्पेस बिटवीन द लैम्प अपॉन हाइट अबव द वर्किंग प्लेन, वो आपका हो जाएगा स्पेस स्पेस हाइट रेशियो। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पेस बिटवीन द प्लेन, स्पेस बिटवीन द लैम्प, सॉरी यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पेस बिटवीन द लैम्प, लैम्प और नीचे क्या लिख सकते हैं कि हाइट, हाइट अबव द वर्किंग प्लेन। ये चीज़ें हमने आपको बताई ना, हाइट अबव द वर्किंग प्लेन। आप इसको जो है नोट करके लिख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है और आपके लिए ये पेपर में आ भी जाता है, तो इसको आप निगलेक्ट ना करिए और इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि क्या, जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर को समझने के लिए आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे एज्यूम, यहाँ पर भी एक बल्ब एज्यूम करने के पड़ेगा वर्किंग प्लेन। तो चलिए मैं ये मानता हूँ कि स्पेस हाइट रेशियो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप बाद में हम इसको देखेंगे, कमेंट करिएगा आप, और मेरे ख्याल से ये समझ में ज़रूरी आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके आगे वो क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का क्या अर्थ है, देखिए जो आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर है इसको हम क्या कैसे समझ सकते हैं, आप मानिए कि एक बल्ब यहाँ पे आपको लगाया गया है, एक बल्ब जो है यहाँ पे लगाया गया है, और यह मानिए नीचे क्या है, वर्किंग प्लेन है, क्या है, वर्किंग प्लेन है, एक ऊपर बल्ब है, नीचे क्या है, वर्किंग वर्किंग प्लेन है। देखिए ये जो बल्ब है इस पर मान लीजिए जो है इस इसके लाइट्स के कई सारे किरण रेस यहाँ पे आ रही हैं, कई सारे रेस जो है बाहर भी देखने को ऐसे तरीके से जो कि वर्किंग प्लेन से अवैध है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको कि इट इज़ द डिफाइन, इट इज़ द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द टोटल ल्यूमेन रीचिंग ऑफ द वर्किंग प्लेन। कहने का मतलब है जो रेशियो है टोटल ल्यूमेन का, मतलब कितना इसमें ल्यूमेन निकल रहा है ऑन द वर्किंग प्लेन, वर्किंग प्लेन पे कितनी किरणें यहाँ पा रहे हैं उस ल्यूमेन कह रहे हैं कि क्या है इस वर्किंग प्लेन पे कितने, यार मान लीजिए ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 आ रही हैं, ठीक यही चीज़ें बोला जा रहा है। उसके बाद क्या है, प्लेन टू द टोटल ल्यूमेन गिवन आउट बाय द लैंप, इस लैंप ने कितना दिया, अरे कितना इस पे इस कितना ल्यूमेन जो है वर्किंग प्लेन पे आ रहा है और इसका रेशियो जो है कितना इस पे दिया, ये चीज़ें आप समझिए कितना ल्यूमेन यहाँ से निकला इस लैंप से। तो इसको जो है हम डिफाइन करके किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको चलिए इसके वर्ड्स में आपको लिख करके हम बताते हैं। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि ल्यूमन क्या है, यहाँ जो आपको बताया जा रहा है यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो, किसका रेशियो है, किसका रेशियो है, टोटल ल्यूमन रीचिंग आउट द वर्किंग प्लेन। वो जो मैंने बोला था कि यहाँ पे बल्ब है, बल्ब है और यहाँ पे जो है वर्किंग प्लेन है, तो कितना ल्यूमन इस वर्किंग प्लेन पे आ रहा है अपॉन द टोटल ल्यूमन गिवन आउट बाय द प्लेन, जो बाय द लैंप, बाई द प्लेन नहीं है, बाई द लैम्प, कि लैम्प के द्वारा कितना ल्यूमन दिया गया वो अपॉन में हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कितना इसका जो रेशियो है, किसका रेशियो ऑफ द कितना ल्यूमन इस पे वर्किंग प्लेन पे आया और जो है कितना ल्यूमन इस बल्ब ने निकाला, ये चाहिए गिवन बाई द लैम्प, ये इसका जो है रेशियो माना जाता है किसका, यूटिलाइजेशन फैक्टर का। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि डायरेक्ट लाइटनिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है 0.25 से 0.5 तक रहता है और इनडायरेक्ट लाइटिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है 0.1 से जो है 0.3 मतलब 0.1 से जो है 0.3 तक जो है ये चीज़ें मानी जाती है। अब हम देखते हैं मेंटेनेंस फैक्टर, जिसको हम MF कह रहे हैं, मेंटेनेंस फैक्टर क्या है, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद जो है देखेंगे डिप्रेशन फैक्टर, जो कि मेंटेनेंस फैक्टर का रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है। तो ज़्यादा देर न करते चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बात करते हैं अब मेंटेनेंस फैक्टर के बारे में। देखिए मेंटेनेंस फैक्टर में आपको ज़्यादा कुछ समझना है, इसका रेशियो आप लिख सकते हो, रेशियो
ऐसे आप जो है लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि मेंटेनेंस फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द इल्यूमिनेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशन एंड इल्यूमिनेशन अंडर द परफेक्ट क्लीन। ये चीज़ें आप समझिए, इल्यूमिनेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशन, इल्यूमिनेशन अंडर द परफेक्ट क्लीन, तो ये चीज़ें आप इसको समझ। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इल्यूमिनेशन जो है आपका वो जीरो से स्मॉलर होता है, मतलब छोटा होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि इल्यूमिनेशन सॉरी मेंटेनेंस फैक्टर जो है, मेंटेनेंस फैक्टर जो है वो क्या है, वन से छोटा होता है। तो देखिए ये जो चोंच का मुंह है ये वन की तरफ है, तो इसका मतलब वन बड़ा है और ये चीज़ जो है छोटा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन फैक्टर की। देखिए जो डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है ये जो है क्या है, ये आपका मेंटेनेंस फैक्टर का अपोजिट है। क्या है, मेंटेनेंस फैक्टर फैक्टर का अपोजिट है, कहने का मतलब इल्यूमिनेशन अंडर द परफेक्ट प्लेन ऊपर हो जाएगा और इल्यूमिनेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशन नीचे हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ, इट इज़ द रेसिप्रोकल टू द मेंटेनेंस फैक्टर, तो ये आपको समझ के चलना है। तो ये मैं मानता हूँ आप इसको जो है समझ लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर। देखिए यहाँ कई सारे फैक्टर हैं, जैसे रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है, देखिए रिफ्लेक्शन फैक्टर समझने से पहले आपको रिफ्लेक्शन समझना बहुत जरूरी है। आप स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा रिफ्लेक्शन फैक्टर, मैं केवल बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखिए रिफ्लेक्शन फैक्टर आप जानते होगा, अगर कोई प्लेन सरफेस है वहाँ पे अगर देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है वो बता रहे हैं, प्लेन सरफेस है उस पर जो है लाइट की किरणें जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं वो आती है प्लेन के सरफेस पे, उसके बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्टेड रे के रूप में वापस चली जाते हैं। तो उनके बीच में जो है एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल के जो है वजह से डिवाइड होता है एक एंगल जो कि आपका आई, एंगल आई और एंगल आर होता है। तो ये चीज़ें आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में, तो ठीक उसी तरीके से ये सारी चीज़ें पीछे की कॉन्सेप्ट है। तो अब हमें बात करना है रिफ्लेक्शन फैक्टर के बारे में, तो रिफ्लेक्शन फैक्टर को आप क्या लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ल्यूमन फ्लक्स रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी टू द फ्लक्स इट्स रिसीव्ड रिफ्लेक्टेड लाइट या फिर इंसिडेंट। आप लिख सकते हो रिफ्लेक्शन फैक्टर को क्या लिख सकते हो, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड फैक्टर को आप इसके डिफिनेशन लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड फैक्टर। तो यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्टेड फैक्टर का इसका डेफिनेशन में हम क्या लिखने वाले हैं, रिफ्लेक्टेड फैक्टर। इसके डेफिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट लाइट। बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन फैक्टर की। देखिए जो रिफ्लेक्टेड फैक्टर है इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट। क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट। यहाँ आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। देखिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट इसको हम रिफ्लेक्शन फैक्टर कह सकते हैं। जिस तरीके से आपका मेंटेनेंस फैक्टर जीरो से छोटा, इस तरह रिफ्लेक्शन फैक्टर भी जो है, अरे जीरो से नहीं वन से, सॉरी वन से, क्या है रिफ्लेक्टेड फैक्टर जो है वो भी जो है वन से छोटा होने वाला है, जिस तरीके आपका मेंटेनेंस फैक्टर जो है वन से छोटा था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं कुछ शैडो के बारे में जानते हैं। देखिए शैडो क्या है, शैडो के बारे में आप समझ रहे होंगे कि लाइट अगर पढ़े तो शैडो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए शैडो समझने के लिए आप समझिए कि देखिए अगर ये चीज़ें, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा शेडो जो है पीछे बनता है, आप ये चीज़ समझ रहे हो कि क्यों बनता है, उसके लिए चलिए यहाँ पे कुछ आपको थियोरी लिख के बताते हैं। शेडो आप जानते हो शेडो क्या होता है, तो चलिए उसको एक डिफिनेशन को देते हैं, उसका एक डिफिनेशन यहाँ पे देते हैं। समझ सकते हैं जो शेडो की बात करें, शेडो क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय द पाथ ऑफ द लाइट बाय द ओपैक ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि ये किस तरीके से फॉर्म होता है, when the path of the light is blocked बाय द ओपैक ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान देके चलना है, इस कंडीशन के लिए जो है आपका लाइट, आपका जो शेडो जो है वो तैयार होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है, प्रैक्टिकली बताते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए कि क्या होता है, मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, यहाँ पर हम लाइट सोर्स दे रहे हैं, लाइट आपका ट्रेवल करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट, इसका शेडो जो है आपको बनेगा कि किसके, क्योंकि ये जो है ना इसकी वजह से ये लाइट का पाथ जो है क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो फिर यहाँ पर इसका जो है शेडो आपको बनता हुआ देखिए। तो
ये जो है आपको कुछ हमने यही आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई। तो जितनी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए हमने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर में हम आपको टाइप्स ऑफ द लैम्प के बारे में, कितनी टाइप्स के यहाँ पर लाइट है, बल्ब है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक ही लेक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे लैम्प को, बल्ब को कंप्लीट कराते, चाहे वो CFL हो चाहे वो LED हो। तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। और आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।